तो हेलो गाइस, सभी भाई नमस्कार। दर्शन मान तो भाई देख सकते हैं भाई, गेहूँ काटने वाली मशीन चल रही है भाई, बहुत ही शानदार तरीके से। देख सकते हैं भाई, गेम होने वाला है, बहुत ही तगड़ा वाला गेम है भाई। तो F16 गेम है भाई। ये देख सकते हैं ट्रॉला खड़ा हुआ है, इस पर रेड कलर का लो भी आ रहा है, यानी उसमें हम अनाज नहीं भर सकते। अनाज की ट्रॉली दूसरी है जिसमें अनाज को डाला जाता है। ये देखिए भाई, पहिए किस प्रकार चल रहे हैं। तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सावधानीपूर्वक करें, कोई जल्दबाजी ना करें, बढ़िया तरीके से देखें, समझें, परखें, उसके बाद कोई कदम उठाएं तो ही बेहतर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी मशीन बहुत ही बड़े आकार की मशीन है, यानी बहुत ही बड़ा सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। और ये न्यू हॉलैंड कंपनी की मशीन है, जैसा कि लोगो भी लगा हुआ है, देख भी रहे होंगे, और कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। तो यानी पूरा मशीन का जो टैंक है गेहूं से फुल हो गया है, और अब हम कंटेनर को लेके आएंगे ट्रक वाले इंजन से जोड़कर। ट्रक वाला इंजन जो ये रेड वाला खड़ा है, इसको खोलेंगे, और उसके बाद ये देखिए भाई, हमने जोड़ दिया, जुड़ा नहीं है, वहाँ से लेके आए, थोड़ी वीडियो कट कर दी थी इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आ गए। तो कोई इशू नहीं है, यहाँ ट्रॉली के अंदर आधा गेहूं भरा भी हुआ है, देख रहे होंगे, आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि 41% ट्रॉली में गेहूं भरा हुआ है, और बाकी का देखते हैं एक बार मशीन में कितना गेहूं आता है। और काफ़ी यहां पर बढ़िया सीन रहने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ट्रक के अंदर यूरिया सिस्टम भी हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर ये देखिए भाई, 45-50 यानी कि 65% हमारी ट्रॉली भर चुकी है, यानी 35% अभी भी बाकी, और बचा कुचा अनाज और बचा हुआ है जिसे हम काटेंगे, कूटेंगे, फिर उसके बाद उसे भी इस ट्रॉली में डाल देंगे। और काफ़ी यहाँ पर बहुत ही शानदार सीन रहने वाला है। और वीडियो को बद से बद लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो अपने भाई को सपोर्ट करें, अगर और बढ़िया लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो बद से बद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर वीडियो बढ़िया लगे, और वीडियो बढ़िया ना लगे नहीं शेयर करें, नहीं लाइक करें, नहीं कमेंट करें, क्योंकि वो सब आपके ऊपर है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगती है तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ से अंगूठा दबी जाता है, और अगर वीडियो बेकार है तो डिसलाइक भी होता है। ये कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये तो क्या है कि व्यक्ति के अंदर जो भी उसमें, अगर उसमें ध्यान भी नहीं रहता या कुछ और अंत उसका ध्यान चलता है, तो उस समय ये शब्द सहायता के पूर्ण में काम आते हैं कि अगर व्यक्ति को अगली वीडियो देखनी है उस व्यक्ति से संबंधित, या किसी व्यक्ति का ब्लॉग है या उसकी गेमिंग की वीडियो है, वो सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, बेल आइकन की घंटी को भी दबा लेते हैं, अगर उसमें जो शब्द सुनाई देते हैं उस हिसाब से वो काम को पूर्ण कर लेते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि भाई, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर लेना भाई, और अपने भाई को सपोर्ट करें भाई, जहाँ तक बने। और भरतपुर से ही हूँ भाई, और आप भाषा से भी पहचान रहे होंगे, भरतपुर वाले जितने भी बंदे हैं वो सभी लोग लाइक करें भाई, शेयर करें भाई, अपने भाई की सपोर्ट करें। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही हो वहाँ तक गूंज रही हो। तो अब इस ट्रैक्टर का भी सीन यहाँ पर देखने को मिला है। अभी तो ये, यानी अभी तो इसमें मतलब गंदा हो रखा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ये ट्रॉली और ये ट्रैक्टर कैश का रेड वाला, तो इसमें हम उस भूसे को भरेंगे जो अभी कूटा है, अनाज से निकला है, उसके बाद उसे बेचने जाएंगे, और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार ये भूसे को भरता है। और देखिए शानदार तरीके से ट्रॉली के अंदर जो फर्श लगा हुआ है वो ब्लैक हो रहा है, और जैसे ही हम इस भूसे को भरेंगे तो वाइट हो जाएगा। ये देखिए भाई, शानदार सीन यहाँ पर देखने को मिला है। तो चादर सी बिछती जा रही है, और धीरे धीरे ये बढ़ता भी जा रहा है, परसेंटेज भी बढ़ती जा रही है, और 41% हो चुका है डायरेक्ट 3% से, क्योंकि हमने वीडियो थोड़ी कट कर दी थी, और 20 से कट कर वीडियो को दोबारा चलाया है। तो
यहाँ पर देख भी सकते हैं 45% यानी ट्रॉली भर चुकी है और बाकी की जो ट्रॉली बाकी है वो भी भर जाएगी शायद, मुझे लगता है 100% इस खेत में पूरा भूसा निकल पाता है ट्रॉली के हिसाब से। और जितने भी अगर बंदे जुड़ रहे हैं नए बंदे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई और अपने भाई को सपोर्ट करें। और तो LED लाइट वाला ट्रैक्टर है, देख सकते हैं शानदार तरीके से लाइट लगी हुई है और फुल स्पीड यानी ट्रॉला हमारा भर चुका है, 4% बाकी रह गया है, लेकिन कोई नहीं, कोई इशू नहीं। और मंडी के लिए हम जा रहे हैं जहाँ पर हमारा गोदाम है, जिस जगह पर अपना खाद बनता है भूसे से, उस जगह पर हम से भूसे को ले जाया जा रहा है, जिस जगह पर भूसे का खाद बनाया जाता है। और वहाँ पर हमारे टैंकर भी खड़े हुए हैं, कई सारे टैंकर भी खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो 2 नंबर पार्ट है वो हरा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही ट्रॉली को हम उस पर लाएंगे 2 नंबर पर और ट्रॉली में से भूसा खलेगा तो ये पैक हो चुका है, यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो अब बैग देंगे, बैग देने के बाद जैसे ही 81% जो भी चारा बचा हुआ है उसे थर्ड पार्ट में डालेंगे, और डालने के बाद जैसे ही बचेगा, बचता तो नहीं है शायद, थोड़ा बहुत कम रह जाएगा, तो उसके बाद दोबारा हम कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देख सकते हैं पूरा सिस्टम बन चुका है, तो धीरे धीरे यानी पूरी सिस्टम सेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम ट्रैक्टर को आगे भी ले जाएंगे, तो आगे खड़ा करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सारे ट्रैक्टरों की हमने लाइन लगा रखी है, एक से एक बढ़कर एक ट्रैक्टर है।